Hello everyone, I am Shubdeep Datta and I am mentor of chemistry at Vision 50 Academy. आज हम कुछ बहुत ही important tips के बारे में बात करेंगे आपसे, जो कि आपको NEET में अच्छे number लाने में बहुत help करने वाली है। तो basically हमने तीन points में इन चीजों को cover किया है, इसीलिए इस slide का नाम भी वैसे ही रखा गया है, Three Elements to Conquer NEET। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास में board के ऊपर तीन ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, दूसरा पॉइंट है डाउट अप्रोच एंड तीसरा पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। एक एक करके हम समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। तो हम लोग पहले पॉइंट पे आते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, है ना। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इसलिए क्योंकि नीट एक कॉम्पिटिशन है, नीट बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं है, है ना। बोर्ड में क्या होता है कि आपको परसेंटेज के बेसिस पे जज किया जाता है, जिसके ज्यादा परसेंटेज उसका उतना अच्छा आपका मार्क्स बनता है। लेकिन नीट में क्या होगा कि आपको परसेंटाइल बेसिस पे जज किया जाएगा, आपको दूसरों से आगे जाना है। आप जितना ज्यादा दूसरों से आगे रहोगे आपकी रैंक उतनी अच्छी है। ये बेसिकली पर्पस है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करने का। आपको बस कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर सबने, इतने लोगों ने नीट क्लियर किया है तो मैं भी कर सकता हूं, है ना। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, मान लीजिए कि 50% काम वहीं पर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डाउट अप्रोच पे। आप जब भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा समय जरूर आएगा कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, वहां पे आपके डाउट्स अराइज होंगे, है ना। तो डाउट्स को भी क्लियर करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। आप डाउट्स को एज इट इज लेके टीचर के पास नहीं जा सकते कि सर ये क्वेश्चन मैंने देखा काफी लेंथी लगा मुझे, इसलिए सर आप प्लीज मुझको ये करके बता दो। नहीं, आपको क्वेश्चन के साथ लगातार फाइट करते रहना है, है ना। आपको 100% कोशिश करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन आपसे ही बने। अगर वो आपसे नहीं बनता है तो ट्राई कीजिए कि आपके जो फ्रेंड्स का इकोसिस्टम है उसमें वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें। और फाइनली अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तभी आपको टीचर के पास लेके जाओगे। इससे क्या होगा कि ये फर्स्ट पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एक स्पिरिट रहेगी, आपके पास एक लड़ने का जज्बा रहेगा, तभी आप डाउट के साथ भी लड़ोगे। और जब आप डाउट्स के साथ लड़ोगे तो मान लीजिए कि आपका 20% काम और हो गया। जब तक कि आप खुद से चीजों को स्ट्रगल करके निकालना नहीं सीखोगे तब तक कि कॉम्पिटिशन निकाल पाना इज वेरी चैलेंजिंग। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ कंट्रोल। अब सर आप पूछोगे कि सेल्फ कंट्रोल क्या है। देखो भाई, सेल्फ कंट्रोल है अपने ऊपर कंट्रोल रखना नेक्स्ट टू इयर्स के लिए, है ना। क्योंकि ये टाइम काफी लंबा है, प्रिपरेशन टाइम छोटा तो होता नहीं है। प्रिपरेशन टाइम अगर आपका 2 इयर्स है मिनिमम, तो कई बार ऐसा जरूर होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये शायद मेरे से ना हो पाए। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं मेरे से ही हो पाएगा और शायद किसी और में दम नहीं, इसीलिए ये थर्ड पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और कितना भी हो जाए, चाहे कोई भी कंडीशन रहे आपकी, आपको बस करते जाना है मेहनत, करते जाना है मेहनत तब तक जब तक कि आपको फाइनल रिजल्ट हासिल ना हो जाए। तो दैट इज व्हाई दीज थ्री पॉइंट्स आई थिंक आर द मेल्टिंग पॉइंट टू क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, राइट। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नीट कॉम्पिटिशन, सो वी विल फोकस ऑन दैट। सो Let us discuss about the NEET examination, what it is all about. So basically, NEET में हम लोग दो levels के syllabus को पढ़ते हैं, class 11th and class 12th, जिसमें तीन subjects हमको basically पढ़ना है। पहला subject है आपका obvious, of course, biology, which accounts for 50% of the NEET preparatory exam, and then 25% is physics and 25% is chemistry. This is the breakup. For the last many years, this is exactly what is coming in the NEET. From class 11th, they are exactly, not exactly, on an average, botany has got 26 questions, zoology has got 21 questions, and chemistry has got 19 questions, while physics has got 22 questions. That is from the class 11th portion. Now, if we'll talk about the class 12th portion, we have this breakup. Okay, in all. The whole weightage for the biology section is 50%, 25% for physics and then 25% for chemistry. So this is the breakup for class 12th.
वी हैव गॉट बॉटनी, वी हैव गॉट जूलॉजी 25 क्वेश्चंस एंड 18 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली. देन वी हैव गॉट द केमिस्ट्री पोर्शन. सो मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम क्लास 12th, राइट. सो इन केमिस्ट्री पोर्शंस वी हैव गॉट 26 क्वेश्चन एंड इन फिजिक्स वी हैव गॉट 23 क्वेश्चंस. देखिए ये सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप मैं आपको क्यों दे रहा हूं, उसका पर्टिकुलर रीजन है कि देयर आर थ्री थिंग्स, स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. सो अगर स्ट्रेटजी है हमारे पास सही, तभी ये दोनों इंटीग्रेट हो सकते हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क. बिना केवल हार्ड वर्क के बहुत सारे कॉम्पिटिशंस नहीं होने वाले, नीट इज वन ऑफ देम, है ना. हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करना पड़ेगा. तो दैट इज वाई देखिए हर चैप्टर, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वजह से हमें अपना टाइम कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कम इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हमें चैप्टर्स का ब्रेकअप पता होना बहुत ही जरूरी है, है ना. जैसे कि मैंने आपको क्लास 11, 12 का बताया, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहाँ कहाँ पे हमें फोकस अपना मैक्सिमम रखना है और कहाँ कहाँ पे हम थोड़ा कम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं. पढ़ना तो सभी है. जैसे कि ये है फिजिक्स का पूरा ब्रेकअप कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आए, है ना. जो एक क्वेश्चन कहीं से किसी टॉपिक से आया तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. तो फिजिक्स का जो पेपर है वो देखा गया है कि मॉडरेटली डिफिकल्ट आता है एज कंपेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. एंड दिस इज द टॉपिक ब्रेकअप जहां से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन आने वाले हैं. जैसे कि ऑसिलेशन एंड वेव्स है, वहां से टोटल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं. तो 40 अगर आपके पास चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर, एक यूनिट में से अगर आपके 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज वेरी, मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, राइट. सो फोकस ऑन दीज मेनी टॉपिक्स एट फर्स्ट एंड देन गो बियॉन्ड इट. पढ़ना तो सभी है ना. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगेन 2 से 3 क्वेश्चन, एंड बाकी आप देख सकते हो. तो कहीं किसी चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं से एक आ रहा है तो उसको आप लेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो, है ना. अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें पढ़ना सभी है, लेकिन हमें फोकस वहां ज्यादा करना है जहां से हमें रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाला है. ओके, तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड इट इज अबाउट बायोलॉजी, 50% ऑफ द पेपर. सो बायोलॉजी में सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स जो हैं वो ये 4 हो सकते हैं, सबसे हाई टॉपिक जो सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं. इसमें से 39 से 44 क्वेश्चंस जो है वो लगभग यहीं से आ जाते हैं. मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर आपके इन 4 यूनिट्स में से आएगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट. इसमें से 14 से 15 क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से. तो नाउ यू वेरी वेल नो कि आपको सबसे ज्यादा टाइम कहां पे इन्वेस्ट करना है बायोलॉजी में, है ना. अगेन बायोलॉजी पढ़ने का भी एक तरीका है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है. जो भी आता है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के ही बुक से आएगा. तो अगर आपने एनसीईआरटी A to Z पूरी पढ़ रखी है तो आप बायो में फुल स्कोर भी कर सकते हो. जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर जो टॉपर थे उनके पूरे के पूरे परफेक्ट 720 मार्क्स थे, है ना. तो इसका मतलब उन्होंने बायो में भी पूरे स्कोर किए होंगे, केमिस्ट्री में भी फुल स्कोर किया होगा और फिजिक्स में भी फुल स्कोर किया होगा. सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू स्कोर अ परफेक्ट 720. सो ये बात आपके माइंड में रहनी ही चाहिए, है ना. एंड ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट. आप अगर एम हाई नहीं करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल ही नहीं सकते. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और बेस्ट एम करें. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज केमिस्ट्री पोर्शन, दिस इज ऑल्सो माई पोर्शन, सो आई विल बी एबल टू गाइड यू मोर ऑन दिस. सो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स अपियर मोस्ट ऑफन, दोज आर दीज टॉपिक्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिकल बॉन्डिंग इज आई गेस द सोल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बिना इसके इनऑर्गेनिक वैसी है जैसे किसी बॉडी में मान लो सोल ही ना हो, है ना. केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन दोनों में से 4 क्वेश्चंस के आसपास आ जाते हैं. और ये जो ब्लॉक केमिस्ट्री है उसमें पी ब्लॉक इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं. अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है कि आपको चिपक के रहना है एनसीईआरटी से.
एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन टॉपिक ब्रेकअप आप करोगे तो एक एक क्वेश्चन वहीं से निकलने वाला है, कुछ भी वहां से अलग नहीं आने वाला है। तो बायो जैसे आप पढ़ते थे एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की, एवरीथिंग विल कम फ्रॉम एनसीईआरटी और आपको वैसे ही उसको करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज जैसे कि फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में कि एक चैप्टर को अगर आपने थोड़ा बहुत मिस भी कर दिया ना तो सेकेंड चैप्टर आपको समझ में आएगा, है ना। 70% 80% अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो 90% तक आपको समझ में आएगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा यूनिट है जो कि कनेक्टेड है ऑल थ्रू आउट। आप पहले टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक जाओगे तो आपको हर एक चैप्टर आपस में कनेक्शन दिखेगा। मतलब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थ्रू आउट जब पढ़ोगे तो आप एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस करते हो शुरुआत में तो लास्ट तक आपको चीजें बहुत सारी एकदम वेग रह जाएंगी, और अगर लास्ट में आप मिस करते हो तो क्या होने वाला है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जो आपकी टेरिटरी से बाहर हो जाएंगे। मतलब नीट में अगर वो क्वेश्चन आ गए तो आप वो नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक थ्रेड की तरह पढ़ना चाहिए, उसमें हर चीज आपस में एक कनेक्शन लेके आती है। और एनसीईआरटी के ऊपर तो क्वेश्चन आएंगे लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी, है ना। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में से दीज मेनी चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें सबसे पहले फोकस हम करेंगे और उसके बाद जो चैप्टर्स बचते हैं उसमें हम थोड़ा कम फोकस करेंगे, लेकिन अगेन पढ़ना हमको सभी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोल है वो है केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर हम क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं, अगर हम लोग ये बात करें कि जैसे रियल वर्ल्ड में हम लोग क्वांटिटी किलोग्राम्स में बता देते हैं, टन्स में बता देते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी एनालिसिस इन केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री में कोई भी चीज ट्राई करते हैं मोल में एक्सप्रेस करने का, और पूरी केमिस्ट्री में ऑल थ्रू आउट जहां पे कैलकुलेशन है वहां पे मोल कॉन्सेप्ट है। भले ही वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का चैप्टर हो, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर हो, मोल जो है वो सब में बटा हुआ है, वो सब में आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इसके अपार्ट अगर हम देखते हैं तो और जो सबसे वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स देन केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये सारे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका ये है कि आपको जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते हो ना तो टॉपिक्स के साथ ही आपको उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लगा लेने हैं, और आपको जहां जहां पे डाउट हो तो उसके साथ स्ट्रगल करना है, उन क्वेश्चंस के साथ लड़ना है। फाइनली अगर वो क्वेश्चंस ना आए तो हम उन क्वेश्चंस को लेके जाएंगे अपने टीचर के पास में ताकि वो उसको सॉल्व कर सके, है ना। जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस के साथ, बेसिकली फाइट करना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन आपके काबू में आएंगे, है ना। तो ये बात है फिजिकल केमिस्ट्री की। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब बात आती है कि भाई हमने, चलो ठीक है, प्रिपरेशन तो कर ली है ना, हमने स्ट्रेटेजी भी बना ली, हमने टॉपिक्स भी कवर कर ली ऑलमोस्ट, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से हुआ है या मैं ओवरऑल कितना स्कोर कर सकता हूं? ये सब हमें पता चलेगा एक एनालिसिस से। उसका एक प्रोसीजर है कि हमें टेस्ट में बैठना पड़ेगा, मॉक टेस्ट में, जैसे कि नीट में होता है वैसे ही सेम एनवायरमेंट में हम लोग शायद मॉक टेस्ट देंगे। और वो मॉक टेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, एक तो वीकली टेस्ट होना चाहिए साथ ही साथ मंथली टेस्ट भी होना चाहिए। वीकली टेस्ट में हम अपने टॉपिक्स का जांच करेंगे कि कौन सा टॉपिक मेरा अच्छे से हुआ है या कौन सा टॉपिक मेरा अभी थोड़ा वीक है, इसमें और ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो वीकली टेस्ट में आप क्या कर सकते हो कि लास्ट वीक में आपने कुछ भी पढ़ा है, अगर जितना भी आपने कवर किया है उसके बेसिस पर आप एक अपने लिए टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हो, जो कि ऑब्वियस ऑफकोर्स आपका इंस्टीट्यूट ही करेगा, है ना। तो यूनिट टेस्ट से, सो वीकली टेस्ट में आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से लोकल रीजन्स में आपको प्रॉब्लम है,
है ना। और इसके बाद अगर हम थोड़ा हाइयर सोचे तो वी विल कम अबाउट फॉर मंथली एग्जाम्स। मंथली एग्जाम्स में क्या होगा कि आपने लास्ट एक मंथ में जितना भी कुछ प्रिपेयर किया है वो आप भूले तो नहीं हो, या आप कितना उसमें स्कोर कर पा रहे हो, ये एनालाइज करने के लिए आपको मंथली टेस्ट भी लेना चाहिए। अब मंथली टेस्ट शुरुआत में क्या होगा कि 3 या 4 चैप्टर्स को मिलाकर होगा, फिर 5-6 चैप्टर्स को मिलाकर होगा। अल्टीमेटली गोल हमारा है फुल लेंथ टेस्ट, अल्टीमेटली गोल है हमारा फुल लेंथ टेस्ट। हमें प्रिपरेशन के ठीक 7-8 महीने बाद तक या 10 महीने बाद तक, मैक्सिमम अगर 2 इयर्स का लेंथ है तो मैक्सिमम 10 मंथ के बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस करेंगे, ताकि हमें एटलीस्ट ये समझ में आ सके कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। आप अपने मार्क्स को ऑल ओवर इंडिया के मार्क कैटेगरी से कंपेयर करेंगे और अपनी रैंक को समझेंगे कि ठीक है मैं अभी यहां स्टैंड कर रहा हूं, यहां से मुझे पर्टिकुलरली इंप्रूव करके इस पोजीशन पर आना है ना। ऐसे करते 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 कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपका लगभग चलेगा 2 साल तक के लिए। और जो हमारे चैलेंजर बैचेस हैं, जो रिपीटर बैचेस हैं, उनके लिए ये जो पूरा टेन्योर है वो 1 ईयर का है, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो गाइस, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, तो अब मैं समराइज करता हूं चीजों को। समराइज में जस्ट मैं यही बताऊंगा कि यार सिली मिस्टेक्स नहीं करने का है। सिली मिस्टेक्स कहां पे हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 6/3 है ना, तो आंसर आना चाहिए 2, लेकिन न जाने हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम उसको पढ़ रहे हैं 6/2 तो आंसर आ जाता है 3। ऐसे मिस्टेक्स नहीं करने, क्योंकि आपने स्ट्रगल करके लास्ट तक तो आंसर लेके आया। अभी लास्ट में जो आपको मार्क करना है आंसर, वहीं पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत है ना। यू नो इट वेरी वेल, आपको वो आता है, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि वो आपको आता है, क्योंकि आपने आंसर गलत दिया। और आंसर गलत अगर ड्रास्टिक कोई एरर है तब तो ठीक है, मान सकते हैं, है ना, रिग्रेट भी कर लेंगे कि ठीक है वो मेरे से एकदम ही गलत हो गया क्वेश्चन। बट कोई सिली मिस्टेक की वजह से अगर आपके नंबर्स जाएंगे तो आपको बहुत रिग्रेट होने वाला है। इसीलिए लास्ट में आके आप जब आंसर को ओएमआर पे मार्क कर रहे हो तो आप 4 बार उस आंसर को कंफर्म करो कि आपने सही किया है कि नहीं, है ना। तो ये कभी नहीं करना है, ये सुसाइडल मिस्टेक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन एरर, वही जो मैंने बताया, ये दोनों आपस में लिंक्ड ही है एक तरीके से, कि अगर आप कैलकुलेशन एरर आपकी बहुत ज्यादा होती है ना, तो मान के चलिए कि न्यूमेरिकल पोर्शन आपका काफी वीक है और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उसको इंप्रूव नहीं करना है, एग्जाम से पहले इंप्रूव करके रखना है उस चीज को। यू नो अबाउट योर कॉन्स एंड प्रोस, अगर आपके कॉन्स में कैलकुलेशन एरर शामिल है तो वेल विद इन द टाइम आपको ये एरर दूर करना पड़ेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपके हाथ से छूट जाएगा। नेक्स्ट इज स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके पास में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको अटेम्प्ट 45 करने हैं उसमें, आपके पास फिजिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, अटेम्प्ट आपको 45 करने हैं, और आपको टोटल बायोलॉजी जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी, उसके आपको टोटल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सबके सब 180 मिनट्स में, मतलब 3 घंटे में, मतलब पर क्वेश्चन आपको केवल 1 मिनट मिल रहा है ना। तो आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी अपने लिए तैयार करनी पड़ेगी। अगेन स्ट्रेटजी सबकी थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से, आपको अपने लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी मैनेज करना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट में कैसे मैनेज करूंगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि फिजिक्स में ज्यादा समय जाना है ना, तो आप केमिस्ट्री में बहुत जगहों पे टाइम को कम कर सकते हो, और बायोलॉजी अगर आप 40 मिनट्स 30 मिनट्स या 45 मिनट्स तक कंप्लीट कर लेते तो आपको वहां पे एक्स्ट्रा 15 मिनट्स फिजिक्स के लिए मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शंस को डील करने का एक ही तरीका है कि आप जहां पे आप देख के क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो उनको प्रैक्टिस इतना बढ़िया से करो कि वो आपके 1 से 1.5 घंटे या मैक्सिमम 1 आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ताकि आप पीसफुली फिजिक्स के लिए 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास दे पाओ। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत न्यूमेरिकल्स रहेंगे, इस वजह से उसको भी ध्यान में रख के आप अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मलाइज करो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज करेक्शंस। देखिए ये पॉइंट इसलिए क्योंकि हम सबको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये लगता है कि भाई 4 में से 1 ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं आ रहा है हमसे, कोई बात नहीं, एक लगा के रिस्क ले लेते हैं।
तो भाई वहां पे आपका एस्टिमेशन भी होना चाहिए कि आपका रिवॉर्ड कितना ज्यादा है और आपका रिस्क कितना ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आप अपने थ्रेशोल्ड से काफी ऊपर है और आप एक रिस्क एफोर्ड कर सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो मैंने अपने आप से एक तुक्का लगा दिया, ऐसे ही मुझे नहीं आता था, मैंने चार में से एक ऑप्शन लगा दिया, तो उससे मेरी सीट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तब आप ये गलती मत करना, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन आता है आप तभी मार्क करो, नहीं तो उसको मार्क आपको नहीं करना है, है ना। और जब आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उसमें भी आप करेक्शंस जो है उसको आप देख के चलो कि आप ज्यादा अगर मिस्टेक्स करते हो क्वेश्चन में तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो क्वेश्चन आपको बेसिकली नहीं आ रहा है और आपने उसका जबरदस्ती आंसर निकाला है। तो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन नेक्स्ट इज डाउट क्लैरिफिकेशन। डाउट क्लैरिफिकेशन इज आपको जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कभी भी कोई डाउट मत छोड़ना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ठीक है यार ये तो बहुत टफ है, ये नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन नीट में आने वाला नहीं है। नहीं, अगर वो नीट के लेवल का क्वेश्चन है और आपसे फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो यू नीड अ डाउट क्लैरिफिकेशन कि सर ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था मेरे से नहीं बन रहा, सर क्या अप्रोच है, ये आपको पूछना पड़ेगा। अपने फ्रेंड से पूछ लो, अपने टीचर से पूछ लो, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो डाउट क्लियर होना ही चाहिए। सो आई गेस आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई वाज सेइंग टू यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू नीट। सब लोग डॉक्टर बन के ही निकलना। थैंक यू।